आपने आलू के फ्राइज तो कई बार खाए होंगे, एक बार इस सब्जी के फ्राइज को ट्राई करें, यह बड़ों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले चाट मसाला बना लेंगे। इसके लिए एक चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काला नमक, दो चम्मच अमचूर पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे। अब इन सारे मसालों को एक बोल में डाल देंगे और इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। इसके बाद से पहले सुरन को कट कर लेते हैं। इन्हें आलू के फ्राइज की तरह बहुत पतला पतला नहीं रखेंगे, हल्का सा मोटा रखना है। इन्हें इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे। मैंने इनके दो पीस कट किए हैं, आप चाहे तो इनके तीन पीस कट कर लें। और इसी तरह सारे सुरन को कट करके रेडी कर लेंगे। अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखिएगा। इसमें एक एक करके जो हमने सुरन कट किए हैं वो डाल देंगे। इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से थोड़े क्रिस्पी ना हो जाएं। ये देखिए बाहर से थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। जब सुरन पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसके हम छोटे पीसेस कट कर लेंगे। और इसी तरह सारे सुरन को छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। अब इन्हें हम फिर से डीप फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इन्हें बीच बीच चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े लाल ना हो जाएं। यह बाहर से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। तो जो हमने मसाले बनाए हैं वो इन पर छिड़क कर मिक्स करना आसान रहेगा। अब जो हमने मसाला रेडी किया था वो इन पर छिड़क देंगे और आधे नींबू का रस डाल देंगे। अब इस बोल के ऊपर एक प्लेट रख देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ सुरन फ्राइज बिल्कुल रेडी है। इन्हें सर्व कर लेंगे एक प्लेट पर। इन्हें आप हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। यह बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। घर में सुरन हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।